हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, और आज मेरे साथ है एमजी की नई लॉन्च विंडसर ईवी। आज की वीडियो में चार्जर पे आ गया हूँ गाड़ी को लेके, और आप में से काफी सारे लोग तो समझ गए हैं कि मैं करने वाला हूँ इसका रेंज चेक। जो नहीं समझे तो आज इस वीडियो में होने वाला है इस एमजी की नई विंडसर ईवी का एक रेंज टेस्ट। बट उससे पहले आपको कुछ डिटेल्स दे दूँ तो इस गाड़ी का बैटरी पैक है 38 किलोवाट आवर का, और मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड जो ये गाड़ी ले सकती है वो है 45 किलोवाट आवर। 45 के चार्जर नहीं मिल पाया तो मैं 60 किलोवाट आवर के चार्जर पे हूँ, बट मैक्सिमम 45 किलोवाट की स्पीड से ही ये गाड़ी चार्जिंग ले सकती है। अब इस गाड़ी को करूँगा फुल चार्ज और फिर करेंगे इसकी रेंज टेस्ट। बाकी अभी कितनी चार्जिंग है उसकी डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी ऑलमोस्ट 98-99% चार्ज हो गई है, और दोनों ही जगह चार्जिंग दिखा रहा है कि कितनी चार्जिंग अभी इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। ओवरऑल अगर बात करें तो एमजी क्लेम करता है 331 किलोमीटर की रेंज, और आज अपने तरीके से तो हम देख ही लेंगे कि आखिर क्या रेंज जेन्युइनली इस गाड़ी की निकल के आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये दोस्तों गाड़ी हो गई है फुल चार्ज, एक बार आपको डिटेल्स चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे 320 किलोमीटर की रेंज और 100% चार्ज। चार्जर को निकाल देते हैं और चार्जर को हमेशा सही जगह पे लगाएं ताकि और लोग भी चार्जर को यूज कर पाए। अब अपने प्रॉपरली पोर्ट्स को कवर करें क्योंकि बारिश वारिश का मौसम है, तो ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आए। नेक्स्ट इसे क्लोज करने के बाद अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, गाड़ी कर ली है फुल चार्ज, सभी डिटेल्स आपको दिखा दी हैं। अब बारी आ गई है यहाँ से निकलने की। तो सबसे पहले तो आप टाइम देख सकते हैं 9:40 हो रहे हैं। एंड्रॉइड ऑटो अभी किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, शायद ऐप अपडेट नहीं है, तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग के लिए। बाकी यहाँ 100% चार्ज, 320 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और कौन से मोड में चलूँगा तो मैं चलूँगा इको मोड में, और एनर्जी रिकवरी यानी कि रीजन रहेगा नॉर्मल मोड में। ये कुछ डिटेल्स हैं। और किधर की तरफ हेड कर रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ मेरी लोकेशन रहने वाली है। पहली लोकेशन यहाँ है, यहाँ पर कुछ खाऊँगा, शायद थोड़ी देर रुकूंगा अभी, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। तो पहली लोकेशन है मेरी यहाँ से 90 किलोमीटर, और अराइवल दिखा रहा है 11 बजे का, यानी कि 1.5 घंटे बाद का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आपको अपडेट दूंगा हर 10% चार्जिंग कंज्यूम करने के बाद, और ये रेंज टेस्ट हो सकता है कि मैं ख़त्म कर दूँ 50% चार्जिंग पे ही, क्योंकि कभी दोबारा लॉन्ग टर्म में गाड़ी मिलेगी तो पूरी तरह से दोबारा से इसे चेक करेंगे। बाकी आज का पूरा टेस्ट इको मोड में ही रहने वाला है। एक और मोड है इसके अंदर इको प्लस, उसमें मैं इसे चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी करने के लिए कुछ होना चाहिए और आपको बताने के लिए कुछ होना चाहिए। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से अपने चार्जर की लोकेशन से, और फिर आपसे मिलते हैं 10% चार्जिंग कंज्यूम करने के बाद। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ अपने मुंबई एक्सप्रेस वे, और आप ये देख सकते हैं ये रही अपने विंडसर। सोचा ये शॉट आपको रोक के दे दूँ और डिटेल्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि 10% चार्जिंग को तो मैं कंज्यूम कर ही चुका हूँ। क्या रिस्पांस रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं 90% चार्जिंग बची है, रेंज बची है 288, स्टार्टिंग में थी ये 320 की, तो यानी कि 32 किलोमीटर कम हो गई है, और ट्रिप आप देखेंगे तो 32.6 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ऑडोमीटर की रीडिंग भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये कुछ रिस्पॉन्स रहा है पहले 10% का। कुछ ट्रैफिक वगैरह भी मिला था, और अब देखेंगे तो लगभग 50 मिनट लग गए मेरे को पहली 10% कंज्यूम करने में, बट अब हाईवे पे आ गया हूँ और अब टाइम कम लगने वाला है और रेंज जल्दी जल्दी यूज होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे वापस से 10% के बाद। बट स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स मिस कर गया था, जैसा कि मैंने बताया गाड़ी में 3 लोग हैं, वेंटिलेटेड सीट दोनों ऑन है आगे की, AC ऑन है और ऑल टाइम ऑन ही रहने वाला है, 22 डिग्री पर टेम्परेचर सेट किया हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। दोस्तों टाइम फॉर नेक्स्ट अपडेट, यहाँ आप देखेंगे तो 11 बजे का टाइम हो रहा है, 256 किलोमीटर की रेंज बची है, यानी कि 44 की रेंज कम हो गई, 80% चार्ज बचा है, और यहाँ का एस्पेक्ट दिखाऊं तो 61.3 किलोमीटर गाड़ी चली है, यानी कि रेंज कम हो गई है हाईवे पे आने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे ओडोमीटर की रीडिंग हो चुकी है 550 किलोमीटर, और मेरा डिस्टेंस कितना बचा है तो आप देख सकते हैं 11:20 पे पहुंचूंगा, 29 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, और यहाँ पे शायद मैं रुकूं शायद ना रुकूं अभी वो बात श्योर नहीं है,
बट अपना रेंज टेस्ट तो बनाते ही रहेंगे, एस्पेक्ट सेम है, एस्पेक्ट्स में कोई फर्क नहीं आया, और अपने साथ जो भाई लोग थे वो थोड़ा सा पीछे खड़े हैं 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। तो दोस्तों टाइम फॉर नेक्स्ट अपडेट। सबसे पहले तो आपको ये दिखा देता हूँ कि 90 किलोमीटर की मेरी जर्नी थी जहाँ मैंने जाना था, बेसिकली जो वायरल मैकडोनल्ड्स है अपने जयपुर एक्सप्रेसवे पे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओडोमीटर की रीडिंग आप देख सकते हैं, चार्जिंग रह गई है 70% की और रेंज बची है 222 किलोमीटर की। अब बताता हूँ, तो वहाँ पे एक भाई को ड्रॉप कर दिया, अब इस टाइम गाड़ी में सिर्फ 2 लोग हैं। और एस्पेक्ट्स की बात करें तो AC ऑन है, वेंटिलेटेड सीट्स ऑन है, और मोड वगैरह की भी अगर बात करते हैं तो भाई कंटिन्यू हो रहा है इको मोड और नॉर्मल वाला अपना रीजन मोड। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं तो अराउंड 98 किलोमीटर की रेंज कम हुई है, क्योंकि 320 था स्टार्टिंग में और गाड़ी चली है 91 किलोमीटर, तो थोड़ा गैप आना शुरू हो गया। और वो गैप किस वजह से आ रहा है, तो हाईवे पे रीजन वगैरह तो काम नहीं करता, आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे हॉल्ट नहीं ले रहा हूँ, टाइम हो रहा है 11:30, 50% तक आपको रेंज टेस्ट दिखाना है, फिर डबल करके एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि एक्चुअल रेंज, रियल लाइफ रेंज कितनी है इस MG की, विंडसर की। तो ओवरऑल अभी के हिसाब से देखें तो 150 के आसपास तो गाड़ी चली जाने वाली है, क्योंकि 30% में 90 पार ही है गाड़ी चल चुकी है। तो 300 के आसपास की रेंज और 331 का क्लेम, ओवरऑल चीज़ें सही बैठ रही हैं जैसी जनरली MG की गाड़ियों में बैठती हैं, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी इसके अलावा आपके लिए एक डिटेल ड्राइव रिव्यू तो आ ही रहा है, और अगर कोई और वीडियो आपको इस गाड़ी पे या किसी भी और गाड़ी पे चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब बता देता हूँ अपने ड्राइविंग के कुछ एस्पेक्ट। तो दोस्तों लाइट फुट ड्राइविंग कर रहा हूँ, और मैक्सिमम स्पीड जो मैंने इस पूरे रेंज टेस्ट के अंदर रखी है वो है इस गाड़ी पे 80 की। जबकि अगर इस हाईवे की बात करता हूँ तो इस हाईवे पे जो परमिसिबल स्पीड है या परमिसिबल लिमिट है वो है अराउंड 120 की। बट अगर आपको एक EV लेके रेंज निकालनी है तो डेफिनेटली आप 100-120 पे अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। इवन विद पेट्रोल कार्स या डीजल कार्स 100-120 की स्पीड पे सिर्फ बड़े इंजन ही आपको माइलेज दे सकते हैं, ICE कार्स में भी, और EVs में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप लाइट फुट ड्राइविंग ही करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे वापस से 10% कंज्यूम करने के बाद, और फिर देते हैं बाकी डिटेल्स। तो दोस्तों अब बारी आ गई है आपको एक और अपडेट देने की, और मोस्ट प्रोबेबली ये सेकेंड लास्ट अपडेट रहने वाला है, क्योंकि 40% बैटरी को कंज्यूम कर चुका हूँ और 191 की ये रेंज दिखा रहा है। तो यानी कि जो रेंज कम हुई है वो हुई है अराउंड 120 किलोमीटर की, और आप देखेंगे तो मैंने बैलेंस कर दिया है, 120 ही किलोमीटर गाड़ी चली है। आप लोग पूछेंगे कि ये मैंने कैसे करा है, वो भी आपको बताता हूँ। बट ओडो की रीडिंग और बैटरी डिटेल्स वगैरह आप दोबारा से ले सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने AC बंद कर दिया या मैंने मोड चेंज कर दिया, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करा है। आप यहाँ देख सकते हैं मोड भी सेम है और AC भी सेम है, और वेंटिलेटेड सीट्स भी दोनों ऑन है मैक्स कैपेसिटी पर। तो दोस्तों फुट को और लाइट करा मैंने ताकि मैं और अच्छी और बेहतर रेंज निकाल पाऊँ, और मैक्सिमम स्पीड वही अभी भी 80 की मेंटेन करी हुई है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने राइट फुट यानी कि एक्सेलरेटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपकी EV आपको रेंज देगी। अब 120 किलोमीटर के आसपास 40% में चला दिए, यानी कि ये तो श्योर हो जाता है कि 150 क्रॉस करने वाला हूँ मैं 50% में इस गाड़ी से। और 150 क्रॉस करने का मतलब है कि 300 प्लस की रेंज ये गाड़ी आपको रियल लाइफ में ऑफर कर देगी अगर आप तमीज से गाड़ी को चलाते हैं। अब अगर आप तरीके से गाड़ी को नहीं चलाते हैं तो डेफिनेटली EV हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या कोई भी फ्यूल हो, आपको एक अच्छी रेंज या फिर अच्छी माइलेज आपकी गाड़ी प्रोवाइड नहीं कराएगी। और इस चीज़ का ध्यान आप ही को रखना है कि आपको कितना डिस्टेंस जाना है, और EV में तो इन चीज़ों को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे 10% और कंज्यूम करने के बाद, और टाइम आप नोट कर सकते हैं 12 बज चुके हैं, अराउंड 9:40 के आसपास इस टेस्ट को स्टार्ट किया था, तो टाइम डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गाड़ी धीरे चलेगी और हर शॉट आपको रुक के डिटेल में बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही। चलिए अब 10% कंज्यूम करते हैं, देखते हैं क्या कुछ नंबर्स मिलते हैं, क्या एस्पेक्ट रहता है, और फिर आपसे बात करते हैं डिटेल के। अब दोस्तों बारी आ गई आपको फाइनल अपडेट देने की, और फिर शेयर करता हूँ अपना वर्डिक्ट भी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ आ चुका हूँ मैं मैकडोनल्ड्स, जो कि वायरल हो रहा है आजकल इस व्यू की वजह से, और ये कहाँ पे पड़ता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये पड़ता है बघोला के अंदर, बघोला जगह का नाम है, और 50% यूज कर चुका हूँ मैं इस गाड़ी की बैटरी को, और रेंज 320 से कम होके 159 हो चुकी है।
यानी कि 161 की रेंज का ड्रॉप हो गया, और गाड़ी कितनी चली है, तो गाड़ी चली है 150.3 किलोमीटर। ओडोमीटर की रीडिंग से आप चीज़ें मैच कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो 12:33 हो रहा है, और इस टेस्ट को स्टार्ट किया था 9:40-9:45 के आसपास, तो 2 घंटे 45 मिनट के आसपास लगे हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने में आपके लिए, और अराउंड 150 किलोमीटर चलने में। तो एवरेज स्पीड आप मान सकते हैं 50-60 किलोमीटर पर आवर की रही, जिसमें रुक रुक के आपके लिए शॉर्ट भी बनाए और बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक भी लिया था। तो दोस्तों, देखा आपने इस MG की ऑल न्यू EV विंडसर EV का एक रेंज टेस्ट, कैसा लगा आपको वीडियो ये तो लिखिए ही कमेंट सेक्शन में, और हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। बाकी अब बताता हूँ आपको डिटेल्स दोबारा से, जो लोग सीधा स्किप करके वर्डिक्ट पे आ गए हैं ये जानने, उनकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तो दोस्तों, इको मोड पे इस गाड़ी को चलाया था, जो कि बेसिक मोड नहीं है, बेसिक मोड है इको प्लस। इको मोड बेसिकली एक सेकेंड मोड इसके अंदर दिया गया है, उसके अंदर गाड़ी को चलाया था। रीजन मोड रखा था अपना मीडियम, और उसके साथ साथ गाड़ी को मैंने 150 किलोमीटर चलाया, जिसमें से मोस्टली हाईवे रन है। तो हाईवे पे अगर 150 चल रही है तो सिटी में कहीं ना कहीं 160-170 तो निकालेगी ही निकालेगी, क्योंकि रीजन ज़्यादा काम करेगा। और इस सब के बाद आपको एग्जैक्ट क्लेम्ड रेंज जो है 331 किलोमीटर्स की, वो आप निकाल सकते हैं। मैंने कितनी निकाली, तो मैंने 150.3 किलोमीटर्स के आसपास इस गाड़ी को चलाया 50% चार्ज में, तो यानी कि 100% चार्ज में मैं इस गाड़ी को चला सकता था 300.6 किलोमीटर। बाकी जैसे जैसे आप मान लेते हैं इस गाड़ी को अगर ऑन करेंगे, तो जैसे जैसे गाड़ी को चलाते जाएंगे तो आपके चलाने का तरीका बेहतर होता जाएगा और रेंज भी बेहतर निकल के आया करेगी। गाड़ी के अंदर 3 लोग थे, और आधे टाइम 2 लोग थे क्योंकि एक भाई उतर गया था। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स और AC ऑल टाइम ऑन था। टिपिकल दिल्ली की सिचुएशन में गाड़ी को चलाया। इन पहाड़ों को देख के ये मत सोचिएगा कि मैं दिल्ली से कहीं बाहर आ गया हूँ, मैं मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर हूँ, और ये साइड व्यू है। बाकी गुड़गांव से लेके निकला था गाड़ी को, और आज वापस गुड़गांव ही जाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, लिखिए आपका आउटपुट कि आपको कैसी लगी ये रेंज टेस्ट इस गाड़ी की, और बाकी मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।